एवरीवन, दिस इज निहारिका। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ क्लास 5th साइंस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और इसके मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक मार्क, ये सारी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज इस वीडियो में हमने जो उस वीडियो से समझा है उसी का हम यहाँ पे रिजल्ट निकालने वाले हैं, उसी को समझ के हम यहाँ पे आंसर्स मार्क करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और वीडियोस दिखें, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन या फिर सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस की आपको वीडियो चाहिए, तो ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, द वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। कि अगर सॉइल पानी से बहकर चली जाए तो उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 ऑप्शंस आर गिवन बिलो, स्टॉर्म, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और फ्लड। तो उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। ये आपको मैंने चैप्टर में समझाया था कि जब मिट्टी पानी के बहाव से बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है उसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। नंबर 2, द हवांगो रिवर विच चेंज इट्स कोर्स वेरी ऑफन इज इन। हमने चैप्टर में हवांगो रिवर के बारे में पढ़ा था, जो क्या करती है, अपना कोर्स जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर देती है। वो कहाँ पर है, किस कंट्री में है वो रिवर। ऑप्शंस आर हॉलैंड, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। ये चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था, इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट, दिस मे लीड टू सॉइल इरोजन। इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी उड़कर या बहकर चली जाती है उस पर्टिकुलर जगह से। वो क्या है, ऑप्शंस आर टेरेस फार्मिंग, एफॉरेस्टेशन और डीफॉरेस्टेशन। आपको ये भी मैंने अच्छे से समझाया था कि इन तीनों ऑप्शंस में से किसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सो द आंसर इज डीफॉरेस्टेशन, मतलब कि जब आप पेड़ों को काट देते हो, बहुत सारे पेड़ों को काट देते हो, तो पेड़ों की रूट्स उस सॉइल को पकड़ के नहीं रखती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्योंकि हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ के चली जाएगी, या फिर पानी आएगा तो पानी उसको बहा के ले जाएगा। नेक्स्ट इज सॉइल इज मोस्टली कंजर्व्ड बाय। सॉइल को मोस्टली कैसे कंजर्व किया जाता है, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑप्शंस आर एफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन, मेकिंग रोड्स और ओवरग्रेजिंग। चैप्टर में ये भी हमने डिस्कस किया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर है एफॉरेस्टेशन। वाई, बिकॉज एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ मोर ट्रीज, और अगर आप ज़्यादा ट्रीज ग्रो करोगे तो ज़्यादा रूट्स होंगी, ज़्यादा रूट्स होंगी तो वो सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखेंगी। लास्ट वन, एफॉरेस्टेशन मीन्स, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। अभी भी मैंने आपको ऐसे 2-3 पॉइंट्स थे यहाँ जिसके थ्रू मैंने आपको एफॉरेस्टेशन का मतलब बताया है ना। अभी यहाँ पे 5th ऑप्शन यही आ गया कि एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, तो ये आपको तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसके ऑप्शंस हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग ट्रीज, ओवर ग्रेजिंग, मेकिंग डैम्स। सो द करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इज ग्रोइंग ट्रीज। व्हेन यू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश आर्टिफिशियल और नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन एंड रनिंग वाटर हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। मतलब कि जो ये जो विंड है, रेन है या फिर रनिंग वाटर है, वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सॉइल बनाने में हेल्प करता है। तो क्या ये सब आर्टिफिशियल हैं या फिर ये सब नेचुरल हैं, आप बताओ। रेन, विंड और वाटर, ये सब नेचुरल हैं कि आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब पहले से ही इस दुनिया में थे या फिर मैन मेड हैं, इंसान द्वारा बनाए गए हैं। ऑफ कोर्स द आंसर इज नेचुरल। आप इसको फिल द ब्लैंक्स में भी फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टिक कर रही हूँ, आप अपने बुक्स में या नोटबुक्स में इसको फिल द ब्लैंक्स में फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज रनिंग वाटर वॉशिज अवे सॉइल ऑफ डैश। रनिंग वाटर, जब बहता हुआ पानी है ना, किसका कहाँ की मिट्टी को हटा देता है, कहाँ की मिट्टी,
हिल स्लोप्स या फिर प्लेन्स। आपको मैंने चैप्टर में समझाया था कि कभी भी क्या होता है, अगर प्लेन जगह है ना, तो वहाँ पानी धीरे 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 आगे बढ़ता है, जिससे मिट्टी ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं होता, राइट। बट अगर हिल स्लोप्स हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है, ऐसे स्लोप एकदम, तो स्लोप पे क्या होता है, पानी एकदम स्पीड से नीचे आता है, राइट। तो रनिंग वाटर तेजी स्पीड से पानी जो है कहाँ के सॉइल को रिमूव करेगा, विच इज हिल स्लोप्स। नेक्स्ट इज एट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, वहाँ वो जगह है जहाँ बहुत तेज हवा चलती है, डैश मैन्योर और सीड्स टू आर ब्लोन अवे अलॉन्ग विद टॉप सॉइल। क्या होता है, जहाँ बहुत तेज हवा चलती है वहाँ मिट्टी के साथ साथ इनमें से कोई एक चीज़ भी उड़कर चली जाती है। ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि मिट्टी के साथ उड़कर और कौन चला जाता है, मैन्योर या फिर सीड्स। सो द आंसर इज मैन्योर, क्योंकि जो मैन्योर फार्मर ने मिट्टी में डाला होगा और उसी जगह टाइम पर अगर हवा चल जाए ज़ोर से, तो सॉइल तो उड़ के जाएगी जाएगी, साथ में सॉइल में जो मैन्योर भी डाला होगा वो भी उड़कर चला जाएगा। लास्ट वन इज प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर बाय देयर डैश। प्लांट्स और ट्रीज सॉइल को पकड़ कर रखते हैं बाय देयर डैश, किसके हेल्प से, रूट्स या फिर स्टेम्स। ये अभी मैंने आपको कम से कम 3-4 बार इस एक्सरसाइज के थ्रू समझाया कि प्लांट्स और ट्रीज करते हैं अपने किससे, किस पार्ट से सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज रूट्स। अपनी रूट से सॉइल को पकड़ रखते हैं, जिससे वो सॉइल इरोजन को होने से बचाते हैं। सो द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। अब हम मैचिंग करने वाले हैं, राइट। इधर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, इधर कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, हमें इन्हें मैच करना है। नंबर वन, लॉस ऑफ सॉइल। जब सॉइल का लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, राइट। उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं, डीफॉरेस्टेशन, हवांगो, सॉइल इरोजन या सॉइल कंजर्वेशन। आप बताओ इसका आंसर क्या है। द आंसर इज सॉइल इरोजन, राइट। क्योंकि लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल का ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट इज सोरो ऑफ चाइना। चाइना का सोरो क्या था, चाइना का दुख क्या है, एफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन, हवांगो या सॉइल कंजर्वेशन। दैट इज हवांगो, बिकॉज दिस रिवर हैज़ बीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस कंट्री में लेकर आई थी और पूरी कंट्री को तबाह कर दिया था, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सोरो ऑफ चाइना। लास्ट नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ट्रीज। ट्रीज को काटने को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन। आई हैव एक्सप्लेन यू दिस मेनी टाइम्स इन दिस वीडियो कि एफॉरेस्टेशन कहते हैं कि डीफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ट्रीज का ऑप्शन कौन है सही इन तीनों में से, विच इज डीफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रोटेक्ट करना, कैसे प्रोटेक्ट होती है सॉइल, द करेक्ट आंसर इज सॉइल कंजर्वेशन। लास्ट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। बहुत ज़्यादा ट्रीज को लगाना, प्लांट करना क्या कहलाता है, विच इज एफॉरेस्टेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, राइट शॉर्ट आंसर्स। नंबर वन, व्हाट इज मेंट बाय सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, आंसर इज द कंडीशन ऑफ वेयरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। मतलब वो कंडीशन जब क्या होता है, सॉइल किसके साथ आ जाती है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, पानी के बहाव से चली जाती है या फिर हवा के बहाव, हवा से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। ये आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जब मिट्टी विंड के उससे या फिर वाटर की वजह से उड़कर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, आंसर इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मतलब हमें सॉइल की प्रोटेक्शन करना किसके अगेंस्ट, इरोजन के अगेंस्ट, कि सॉइल ना तो उड़कर जाए ना तो बहकर जाए, उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन का भी हमने काफ़ी बार पीछे मैचिंग में या फिर आई थिंक सो टिक मार्क में भी हमने पढ़ा है कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना।
प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, दैट इज एफॉरेस्टेशन. नाउ लेट मी सी कि आंसर क्या है. ग्रोइंग ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन, एज सिंपल एज दैट. एज आई हैव एक्सप्लेन यू ऑलरेडी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं. आपको मैं इसके लिए एक छोटी सी बात और बता दूँ. एफॉरेस्टेशन जैसी जो टर्म है ये वर्ड है, वैसे ही एक वर्ड है विच इज़ डीफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन तो आप समझ गए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एग्जाम में आ गया वॉट इज डीफॉरेस्टेशन, उसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ. डीफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगातार काटते जाना, कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज. ये दोनों वाइस वर्सा हैं. जैसे एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर ट्रीज, डीफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग मोर ट्रीज. ठीक है, पेड़ों को लगातार काटना. आप देखते होंगे जब हमें कोई प्लेन लैंड चाहिए होता है तो लोग क्या करते हैं, जंगलों को काटने लग जाते हैं, वहाँ जाके पेड़ काटने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली काटने लग जाते हैं. उससे क्या होता है, पेड़ वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जिसको डीफॉरेस्टेशन कहते हैं. और उसकी वजह से रूट्स नहीं होती, और रूट्स नहीं होती पेड़ों की तो सॉइल कंजर्व नहीं रहती. सॉइल कंजर्व नहीं रहती तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपस में एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं. Now the next question is, answer these questions. These are long answer questions which are going to be studied. Number one, why do we say that soil is the foundation of life? कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो soil है वो हमारी life की foundation है. Foundation मतलब हमारी life का base है. कि अगर आपने कभी देखा होगा कोई building बनते हुए, building कैसे बनती है, क्या starting में ही first floor, second floor या फिर directly top floor बना देते हैं? नहीं, starts with the base, starts with the ground floor, right? That is the foundation, that is the base. So as same as that, हमारी life का भी foundation कौन है? Soil. ऐसी बात हम कहते हैं क्यों है कि soil जो है हमारी life start करता है. Because of, answer is, soil is the foundation of life because it supports plants which provide food to all living things on this planet. It's a very easy answer. कि सॉइल हमारी लाइफ की फाउंडेशन, हमारी लाइफ का बेस इसलिए है क्योंकि इट सपोर्ट्स प्लांट्स, वो प्लांट्स को सपोर्ट देती है, विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो सभी लिविंग थिंग्स को खाना प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस प्लैनेट. कि इस प्लैनेट पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड तो चाहिए. और फूड कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स. और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, प्लांट्स को सपोर्ट सिस्टम कौन देता है? दैट इज़ सॉइल. बिकॉज सॉइल जो है वो प्लांट की जो रूट है उसमें रूट जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो एकदम सीधा खड़ा रहता है, राइट? सो दिस इज़ द आंसर ऑफ व्हाई डू वी से दैट द सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज दीज ऑल आर द इजियर वन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. कि रॉक्स से सॉइल कैसे बनती है, चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है? आंसर इज, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड देयर वाज ओनली वाटर एयर एंड हार्ड रॉक्स. जब अर्थ बनी थी तब वहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ वाटर एयर एंड हार्ड रॉक्स. द सन हीटेड द रॉक्स. आपको मैंने ये पूरा वैसे तो चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, पूरा ये चैप्टर में एक पैराग्राफ भी था, बट ठीक है अभी मैं आपको यहाँ पे भी समझा रही हूँ. बट हाँ, आपको मैंने वैसे पहले कहा हुआ है कि अगर आपको ये अच्छे से समझना है, पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहाँ जाएँ और उसको जाकर देखें, आपको उससे इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी. सो या कॉन्टिन्यू. द सन हीटेड द रॉक्स. सन क्या करते थे, रॉक्स को हीट करते थे, गर्माहट देते थे. आपको पता है कि सन हमें सनलाइट देता है और वो हमें हीट भी देता है, जिससे रॉक्स को हीट मिलती थी. द रेन मेड देम कोल्ड. और फिर बारिश होती थी और बारिश क्या करती थी, बारिश रॉक को कोल्ड करती थी. एंड द विंड ब्लू ओवर देम. और उसके ऊपर से फिर हवा भी चलती थी. दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ये प्रोसेस कंटिन्यूसली थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक चलता रहा कि सूरज यहाँ से गर्मी दे रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, यहाँ से हवा चल रही है, तो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहा. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक इन टू स्मॉल पीसेस. इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो रॉक्स थी वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गई. ऑफकोर्स आपको मैंने चैप्टर में ये भी बात समझाई थी कि किसी भी चीज़ पे आप लगातार कंटिन्यूसली प्रेशर करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर टूट जाएगी. आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझाया था चैप्टर में, उसकी वीडियो में. तो सेम बात यहाँ पे है कि कंटिन्यूसली थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस रॉक पे होता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गए. दीज स्मॉल पीसेस अगेन ब्रोक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस. और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा, जिससे क्या हुआ, वो स्मॉल पीसेस और स्मॉलर पीसेस हो गए एंड वर कैरिड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. और जिनको कौन ले जाता था,
विंड अपने साथ ले जाती थी या फिर वाटर अपने साथ ले जाता था. दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. और ये एक दूसरे में रब करते थे. आपको मैंने ये बात अच्छे से चैप्टर में भी समझाई थी कि कोई चीज़ जब उड़ के यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ वाली चीज़ के ऊपर जब आएगी तो आपस में रब तो ज़रूर होगी ही होगी. तो ऐसे ही ये आपस में जो ये स्मॉल पीसेस थे ये रब्ड होते थे एंड दे बिकेम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड फाइनली वो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स बन गए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वाटर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन में वाटर सॉइल इरोजन का एजेंट कैसे है, मतलब हाउ डज द वाटर हेल्प टू डू सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन करने के लिए वाटर कैसे एजेंट है, वाटर कैसे हेल्प करता है. रनिंग वाटर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. रनिंग वाटर जो है वो सॉइल इरोजन का एजेंट है. मतलब क्या करता है कि बहता हुआ पानी क्या करता है, मिट्टी को बहाकर ले जाता है. फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल. मतलब फ्लडेड रिवर्स जो नदियाँ जैसे बाढ़ आ गई किसी नदी में है ना, या फिर बहता हुआ पानी क्या करती है, टॉप सॉइल को रिमूव कर देती है, ऊपर की मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाती है. रनिंग वाटर वॉशिज द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स. आपको मैंने ये भी समझाया था कि जो हिल के स्लोप्स होते हैं, कहीं देखा ना हिल ऐसे होता है एकदम स्लैंटिंग में होता है, उसको उसके ऊपर की मिट्टी भी रनिंग वाटर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं. इसी तरीके से हमें ये पता चलता है कि वाटर जो है वो सॉइल इरोजन का एजेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू सम रिवर्स चेंज देयर कोर्स. कुछ रिवर्स अपना कोर्स अपनी डायरेक्शंस क्यों चेंज कर देती हैं. सो इसका आंसर है अ रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड विद इट. जब रिवर हिल्स से आ रही होती है तो क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा मड लेके आ रही होती है, मिट्टी लेके आ रही होती है. अपॉन रीचिंग द प्लेन्स, और जैसे ही वो प्लेन्स पर आती है, मतलब जैसे हिल एरिया ऐसे होगा, तो ऐसे जब पानी नदी बह रही है और अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है, और जैसे ही ये एरिया प्लेन हो जाता है द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन. और जो रिवर का फ्लो है, जो बहाव है पानी का, वो एकदम धीरे हो जाता है. आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपके घर में भी कहीं पानी गिर जाए आपसे गलती से, तो इतनी जल्दी फ्लो नहीं होता, इतनी जल्दी पूरे घर में नहीं फैलता. इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई ऐसी स्लोप वाली जगह से पानी गिरेगा तो एकदम से सडनली गिरेगा. आपने कभी देखा होगा अपनी किचन शेल्फ पे कभी पानी गिराया हो तो किचन शेल्फ से नीचे आने में पानी बहुत स्पीड से आता है, जल्दी जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा स्लोप होती है उसमें, राइट. बट अगर एकदम प्लेन सर्फेस है तो बहुत धीरे हो जाता है. सेम गोज विद द रिवर्स. जब रिवर हिली एरिया से आती है तो वो बहुत स्पीड में आती है, और जब वो प्लेन्स पर जाती है तो उसका जो बहाव है, फ्लो है, वो बहुत धीरे हो जाता है. इट लीव्स अ पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे. और आते आते जब वो प्लेन पे आती है तो आते आते जो वो अपने साथ मिट्टी लेके आई थी वो वहीं छोड़ती चली जाती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा लगातार होते जाने पर सॉइल एक्यूमुलेट, सॉइल इकट्ठी हो जाती है एंड मेक्स अ रिवर चेंज इट्स कोर्स. और रिवर को अपना रास्ता बदलना पड़ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. ह्यूमंस, इंसान सॉइल इरोजन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें ह्यूमंस कैसे इन्वॉल्व है, मतलब ह्यूमंस की क्या गलती है उसमें. व्हेन ट्रीज आर कट डाउन बाय ह्यूमन बीइंग्स, जब लोगों के द्वारा ट्रीज काटे जाते हैं द सॉइल बिकम्स एंड इज ईजिली कैरिड अवे. तो इससे क्या होता है, सॉइल जो होती है वो लूज हो जाती है ना, और आसानी से वो बहकर या उड़कर जा सकती है अगर कोई इंसान पेड़ काटे. आपको मैंने बताया था कि पेड़ क्या करते हैं, रूट्स अपनी रूट से सॉइल को पकड़ के रखते हैं, मतलब जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता. पर अगर हम पेड़ काट देंगे तो रूट नहीं होगी, रूट नहीं होगी तो सॉइल इरोजन तो ऑफकोर्स ही बात है होगा ही होगा. प्लोइंग ऑफ हिल स्लोप्स इज अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन. हिल स्लोप्स, जब हम हिल स्लोप्स को प्लोइंग करते हैं, मतलब ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर करते हैं, वो भी एक फैक्टर है जिससे सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी उड़कर जाती है जिससे सॉइल इरोजन भी होता है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज लिस्ट थ्री वेज बाय विच सॉइल कैन कंजर्व्ड. मतलब ऐसे तीन आपको वेज बताने हैं जिससे सॉइल को हम कंजर्व कर सकते, सॉइल को हम प्रोटेक्ट कर सकें. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय, इसके चार ऑप्शंस हैं. नंबर वन, एफॉरेस्टेशन. हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए, ग्रोइंग ट्रीज, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स इन प्लेन सच एज ग्रास एंड क्रीपर्स. और हमें प्लेन एरिया में कवर क्रॉप ग्रो करना चाहिए. आपको मैंने चैप्टर में अच्छे से समझाया है कि जब भी किसी लैंड पर
फसल उगने के बाद, मतलब क्रॉप ग्रो होने के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया और न्यू क्रॉप लगाने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है जब मिट्टी खाली होती है उस टाइम पे हमें वहाँ पे कवर क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, जिस जो क्या होती हैं ग्रास या फिर क्रीपर, जिनकी रूट्स एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉइल को पकड़ के रखे और उससे सॉइल इरोजन ना हो। कटिंग द हिल स्लोप इनटू स्टेप्स और टेरेसेस। हिल स्लोप्स को स्टेप्स, मतलब उनकी जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, स्टेप्स होते हैं, वैसे उनको काट दिया जाए। अगर पानी ऐसे मतलब बहता हुआ नीचे भी आए तो जब स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, तो पानी इतनी स्पीड से नहीं आता जितनी स्पीड से वो स्लोप में आता है, इसलिए हमें हिल स्लोप्स के स्टेप्स बना देने चाहिए। बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलॉन्ग रिवर बैंक्स, और नदियों के आसपास एम्बैंकमेंट करना चाहिए ताकि पानी जो है वो प्लेन लैंड पर ना आ पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है, ये हमारा पूरा चैप्टर था सॉइल इरोजन कंजर्वेशन, जिसकी एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दी है। आपको इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स क्लास फिफ्थ के, साइंस के और SST के मैंने उस पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी नॉलेज में आई या आपके कोई काम आई या आपके आसपास रहने वाले किसी बच्चे के काम आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। एंड या इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई चैप्टर है या आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो अप टू 8th, जो आप चाहते हैं कि मैं उस चैप्टर को डिस्कस करूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ और आपको वो समझाऊँ, तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगी। और हाँ, आपको कोई चैप्टर हो जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, उसको आपको मैं समझाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उस वीडियो पर चैप्टर बनाऊँगी। सो थैंक यू।